नमस्कार, जी हिंदुस्तान देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। शुरू होने वाला है खबरों का ताबड़तोड़ बुलेटिन, सुपर फास्ट बुलेटिन, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि जी हिंदुस्तान पर आज कौन सी खबरें सुर्खियों में रहेंगी। पहली बड़ी खबर महंत परमहंस से जुड़ी है, जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाते बनाते अब सियासी अखाड़े में उतर गए। जल समाधि पर अड़े परमहंस ने अब नवम्बर 2023 में आमरण अनशन दिल्ली के रामलीला मैदान में करने का ऐलान किया है। संत परमहंस का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने के बाद बीजेपी विरोधी आरोप लगा रहे हैं कि महंत परमहंस यूपी चुनाव से पहले हिंदू राष्ट्र वाला चुनावी स्टंट कर रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर, किसान आंदोलन के नाम पर अब आंदोलनजीवी के आका फिर साजिश रचने लगे हैं। किसान आंदोलन के मंच पर खालिस्तानी झंडा बुलंद होने वाला है। भारत में प्रतिबंधित संगठन सिर्फ फॉर जस्टिस का आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू दावा कर रहा है कि वो पीएम मोदी के आवास को ट्रैक्टर और ड्रोन से घेराव करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। तीसरी बड़ी खबर कौन सी होगी जिस पर आज हिंदुस्तान की नजर बनी रहेगी, वो बता देते हैं आपको। उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों से तीसरी बड़ी खबर है, जहां यूपी बीजेपी ने कार्टून वॉर से अखिलेश यादव पर निशाना साधा और इस कार्टून में एक माइलस्टोन बना हुआ है जिस पर लिखा है यूपी 2022 और पास में लाल रंग की टोपी पहने एक शख्स भी बैठा दिखाया गया है जो परेशान है और सामने एक पंक्चर साइकिल भी खड़ी हुई है। अब आप समझ गए होंगे कि बीजेपी ने अपने कार्टून से किस पर आखिर वॉर किया, आप समझ ही गए होंगे। चौथी बड़ी खबर की बात कर लेते हैं, महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में सीबीआई बेहद तेजी से जांच को आगे बढ़ा रही है। खबरों के मुताबिक सीबीआई बेहद जल्दी ये खुलासा कर सकती है कि महंत ने आत्महत्या की थी या फिर उनकी हत्या हुई थी। बिल्कुल, तो इन चारों बड़ी खबरों पर रहेगी नजर, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं सुपर स्पीड 100 पर। किसान आंदोलन में फिर से खालिस्तान की एंट्री, खालिस्तानी सरगना गुरपतवंत सिंह पन्नू ने जारी किया भड़काऊ वीडियो, किसानों के मन में फिर जहर भरने की साजिश। हंगामाजीवियों से पन्नू की अपील, कहा 9 अक्टूबर को पीएम मोदी और अमित शाह के आवास का करे घेराव, खालिस्तानी आतंकी के वीडियो पर टिकैत मौन। विदेश में बैठे खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने कृषि मंत्री का घर घेरने के लिए किसानों को उकसाया, ड्रोन और ट्रैक्टर लेकर पहुंचने की अपील की। हरियाणा और पंजाब में आज से शुरू होगी धान की खरीद, हरियाणा के सीएम खट्टर ने किया ऐलान, कहा केंद्र सरकार ने मानी किसानों की मांगे। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री से मिले हरियाणा के सीएम खट्टर और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, धान खरीद को लेकर चर्चा हुई। केंद्र सरकार के ऐलान के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने वापस लिया आंदोलन, खरीफ फसलों की खरीद के लिए कर रहे थे आंदोलन। मनोहर लाल खट्टर ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को लिखा पत्र, 19% तक नमी वाले धान पर वैल्यू कट में छूट की गुजारिश की। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने किसानों के मुद्दे पर केंद्र को घेरा, कहा पंजाब के किसान परेशान, केंद्र ने धान की खरीद को 10 दिन तक टाल दिया। एक मैगजीन को दिया इंटरव्यू में पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कृषि कानूनों के विरोध को बताया राजनीतिक धोखाधड़ी। इंटरव्यू के दौरान पीएम मोदी ने कहा कई दौर की हुई बातचीत के बावजूद नहीं सामने आया कोई खास बिंदु, फिर भी बातचीत को तैयार है सरकार। सेंट्रल विस्टा को लेकर भी पीएम मोदी का विपक्ष पर निशाना, कहा विपक्ष नई संसद को लेकर पहले वकालत करता रहा, विरोध कितना सही। ममता बनर्जी की किस्मत का फैसला, आज भवानीपुर उपचुनाव के नतीजों का होगा ऐलान, बंगाल की 3 विधानसभा सीट पर 30 सितंबर को डाले गए थे वोट। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहने के लिए ममता का भवानीपुर से जीतना जरूरी, टीएमसी ने यहां से ममता के 50,000 वोटों से जीतने का दावा किया है। परंपरागत सीट भवानीपुर छोड़ इस साल के चुनावों में ममता ने नंदीग्राम से लगाया था दाव, बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी से मिली थी शिकस्त, आज हारी तो जा सकती है सीएम की कुर्सी। गृहमंत्री अमित शाह ने एनएसपी की सुदर्शन भारत परिक्रमा को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, कहा देश की आंतरिक सुरक्षा मजबूत हुई। मौके पर गृहमंत्री अमित शाह ने कहा आज भी जय जवान जय किसान का नारा प्रासंगिक, महात्मा गांधी ने अहिंसा से आजादी दिलाई। इलेक्शन कमीशन ने एलजेपी का चुनाव चिन्ह किया जब्त, अब नए चुनाव चिन्ह के लिए करना होगा आवेदन, चिराग और पशुपति पारस में विवाद के चलते बंगले वाला सिंबल सील। यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी ने अखिलेश पर कसा तंज, कार्टून ट्वीट पर लिखा एक लड़के ने पिता की साइकिल का कर दिया बुरा हाल। यूपी बीजेपी ने कार्टून के जरिए लिखा साइकिल बर्बाद करने वाला लड़का यूपी चुनावों में 22 साइकिल के ख्वाब देख रहा है, जो एक नहीं संभाल सका वो 22 कैसे संभालेगा। आज सिद्धार्थनगर के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी, 525 करोड़ की 300 परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत।
सिद्धार्थनगर के इमरियागंज कन्या इंटर कॉलेज में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे योगी। दोपहर 2 बजे गोरखपुर के लिए रवाना होंगे। आज गोरखपुर दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। गीता वाटिका में भाई जी हनुमान प्रसाद के 129वीं जयंती समारोह में करेंगे शिरकत। यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी ने की हाई लेवल बैठक। सभी जिलों के कमिश्नर डीएम और एडीजी रहे मौजूद। बैठक में सीएम योगी ने भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के दिए निर्देश। त्यौहारों में भी अलर्ट रहने को कहा। यूपी के सीएम का छात्राओं के लिए बड़ा ऐलान। निजी स्कूल और कॉलेजों में एक ही परिवार के 2 बेटियां पढ़ रही हैं तो एक ही फीस माफ होगी। उत्कृष्ट सेवा करने वाले पुलिसकर्मियों को सीएम योगी ने किया सम्मानित। कहा, जनता से संवाद करने वाला ही होता है कामयाब। गोरखपुर के होटल में मनीष की हत्या मामले का जिक्र करते वक्त छलका सीएम योगी का दर्द। कहा, पुलिस की छोटी सी गलती नायक से खलनायक बना देती है। पीएम मोदी के 5 अक्टूबर के लखनऊ दौरे को लेकर तैयारियां तेज। यूपी नगर विकास विभाग और केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। प्रधानमंत्री के लखनऊ दौरे की तैयारियों का निरीक्षण। सीएम योगी ने गोमती नगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान का जायजा लिया। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र से चुनाव प्रचार का आगाज करेंगी प्रियंका गांधी। 10 अक्टूबर को वाराणसी में रैली करेंगी कांग्रेस महासचिव। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में घमासान के बीच कांग्रेस पार्टी का बड़ा फैसला। भूपेश बघेल को बनाया गया यूपी कांग्रेस का वरिष्ठ पर्यवेक्षक। कांग्रेस पर कैप्टन अमरिंदर सिंह का बड़ा हमला। कहा, कांग्रेस नेताओं में घबराहट बढ़ी। सिद्धू और उसके साथियों ने मेरे खिलाफ साजिश की। कैप्टन अमरिंदर ने कांग्रेस को बताया कॉमेडी शो। कहा, ध्यान भटकाने के लिए झूठ का सहारा ले रही है कांग्रेस। पंजाब को लेकर कई लोग फैला रहे हैं भ्रम। कांग्रेस से नाराजगी के बीच सिद्धू का बयान। कहा, मुझे पद की चिंता नहीं, मैं राहुल और प्रियंका गांधी के साथ। सकारात्मक ऊर्जा से पंजाब को मिलेगी जीत। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस विधायकों की दिल्ली दौड़ पर बोले सीएम बघेल, छत्तीसगढ़ कभी पंजाब नहीं बन सकता, विधायकों के आने जाने पर कोई रोक नहीं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस विधायकों की दिल्ली दौड़ जारी। 25 से ज्यादा विधायकों ने राजधानी में गाला डेरा। भूपेश बघेल सरकार को लेकर अटकलों का बाजार गर्म। हिंदुस्तान पर मान परमहंस का यू टर्न। जल समाधि से की तौबा। कहा, मैंने समाधि लेने का फैसला वापस लिया। हिंदुस्तान पर मान परमहंस का बयान। कहा, हिंदू संगठनों की अपील के बाद टाली जल समाधि। जन भावनाओं का दिया हवाला। राष्ट्र के लिए जारी रहेगा परमहंस का आंदोलन। कहा, 7 नवंबर 2023 से दिल्ली के रामलीला मैदान पर शुरू करूंगा अनशन। शनिवार को अयोध्या में दिन भर चलता रहा महंत परमहंस का ड्रामा। सुबह 11 बजे सरयू नदी में जल समाधि लेने का था संकल्प। देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग। मनीष गुप्ता हत्याकांड की जांच के लिए कानपुर से गोरखपुर पहुंची एसआईटी। होटल पहुंचकर वारदात से जुड़े सबूतों को तलाशने की कोशिश। कानपुर के कारोबारी मनीष के घर वालों ने रामगढ़ ताल पुलिस पर लगाया है हत्या का आरोप। गोरखपुर के एक होटल में दोस्तों के साथ रुके थे मनीष। यूपी के कानपुर में आईएएस इफ्तिकारुद्दीन का एक और वीडियो आया सामने। ईसाइयों के खिलाफ बयान देने का आरोप लगा। वीडियो में इफ्तिकारुद्दीन ने कुरान को बताया मानवता के लिए गाइडेंस। कहा, बाकी धार्मिक ग्रंथ बेकार। मेरठ के लेसाड़ी गेट इलाके में युवक की पीट पीट कर हत्या। चोरी के शक में दबंगों ने वारदात को दिया अंजाम। चारपाई से बांधकर घंटों पिटाई की। नफीस नाम के शख्स का चोरी हो गया था मोबाइल। शक की बिना पर पड़ोसी दानिश की पीट पीट कर हत्या। 12 घंटे के भीतर मेरठ में खत्म की दूसरी वारदात। डूबे के अटावा में कलयुगी झीजा की करतूत। सारी का अपहरण कर दारोगा के मकान में बनाया बंधक। पुलिस की मदद से पीड़िता को बचाया गया। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक पुलिसकर्मी पर लगा युवक को पीटने का आरोप। आरोपी सिपाही को एसपी ने किया लाइन हाजिर। यूपी के हरदोई में टेम्पो सवार युवती के साथ छेड़छाड़। युवती ने सरेआम आरोपी मंचले की जमकर पिटाई की। पुलिस ने गिरफ्तार किया। 11 किलो चांदी लेकर शपथ होने के मामले में आगरा पुलिस को कामयाबी। आरोपी टीपू सुल्तान को किया गिरफ्तार। चोरी की चांदी भी बरामद। आगरा के सराफा कारोबारी की दुकान में काम करता था आरोपी टीपू सुल्तान। गहने बनाने के लिए दी गई 11 किलो चांदी लेकर हुआ था चंपत। केस दर्ज कर पुलिस ने जेल भेजा। यूपी के आगरा में सड़क पर दौड़ती कार में अचानक लगी आग। शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ हादसा। कार सवार युवक को शीशा तोड़कर निकाला गया बाहर। अलीगढ़ के सासनी गेट इलाके में टॉयगन की फैक्ट्री का आग। दमकल की 3 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। 30 लाख के नुकसान का अनुमान। मेरठ में कोल्ड ड्रिंक पीने से 18 बच्चों की बिगड़ी तबियत। 6 की हालत गंभीर। हायर सेंटर किया गया रेफर। कार से आए 2 लोगों ने पिलाया था कोल्ड ड्रिंक। यूपी के लखीमपुर खेरी में बाइक सवार बदमाशों ने महिला से की चेन स्नेचिंग। सीसीटीवी कैमरे में कैद घटना। यूपी के आजमगढ़ में भारी बारिश से गिरा कच्चा मकान। मलबे में दबकर पिता पुत्र की मौत। 1 महिला हुई जख्मी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में असामाजिक तत्वों के घर दूत। माता बालशिखा मंदिर में को किया गया क्षतिग्रस्त। मूर्तियों को भी पहुंचाया नुकसान।
अनंतनाग में मंदिर तोड़ने के मामले ने पकड़ा तूल। हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश। कुछ दिनों तक बिल्कुल दुरुस्त था मंदिर। मातन इलाके की पहाड़ियों में है माता भार्गशिखा का दरबार। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का केंद्र सरकार पर आरोप। कश्मीर की मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ने देने का आरोप लगाया। अनुच्छेद 370 हटने के बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का जम्मू कश्मीर दौरा। घाटी में शाखाओं के नए नेटवर्क स्थापित करने पर जोर। प्रबुद्ध संघ सम्मेलन में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान। कहा देश में कट्टरपंथ और जातिवाद बढ़ा। अनुच्छेद 370 से व्यवस्था में बदलाव आया। मोहन भागवत ने कहा 370 के खिलाफ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया। हमारे निजी स्वार्थों से ऊपर है राष्ट्र। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकियों की फायरिंग। हमले में एक नागरिक की मौत। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। कॉम्बिंग किया ऑपरेशन। दिल्ली में 9वीं से 11वीं के दाखिले के लिए बढ़ी आवेदन की मियाद। अब 11 अक्टूबर तक ऑफलाइन अप्लाई कर सकेंगे स्टूडेंट्स। अगले हफ्ते फिर से शुरू हो सकती है भारत और चीन के बीच सैन्य वार्ता। मिलिट्री स्तर पर अब तक 12 दौर की बातचीत हो चुकी है। पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग झील के पास पिछले साल दोनों देशों के जवानों के बीच हुई थी झड़प। दोनों सेनाओं के बीच हटने को लेकर शुरू होगी 13वें दौर की बातचीत। चीन पर सेना प्रमुख जनरल नरवणे का बयान। का एलएसी पर हालात सामान्य। चीन के साथ 13वें दौर की बातचीत। इसी महीने पिछले एक साल में बातचीत की है। सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने कहा बातचीत से ही समस्या का समाधान होगा। हर चुनौती का सामना करने को तैयार। एलएसी पर हमने बढ़ाई है तैनाती। एलएसी पर ताकत बढ़ा रहा है भारत। चीन से तनाव के बीच लद्दाख में तैनात किया K9 वर्ष। दुश्मन का करेगा काम तमाम। पूर्वी लद्दाख के फॉरवर्ड एरिया में भारतीय सेना ने तैनात की तो 50 किलोमीटर तक दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने में सक्षम। चमोली के पहाड़ों से नौसेना का ट्रैकिंग दल के 4 जवानों के शव हुआ बरामद। 2 की तलाश अभी जारी। ट्रैकिंग के दौरान एवलांच की चपेट में आए। नौसेना के त्रिशूली पर्वतारोहण का हिस्सा थे चारों जवान। चमोली के आर्मी हेलीपैड लाने की तैयारी। 2 जवानों की अब भी जारी है तलाश। दुनिया के सबसे विशाल राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण। गांधी जयंती पर लेह में उपराज्यपाल ने फहराया तिरंगा। आर्मी चीफ नरवणे भी रहे मौजूद। वाघा बॉर्डर की तर्ज पर जम्मू के सुचेतगढ़ में भी बीटिंग दर रिट्रीट का आयोजन। हफ्ते में 2 दिन जवान बताएंगे शौर्य गाथा। अब तक अमृतसर के अटारी बॉर्डर पर ही होता रहा बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम। सुचेतगढ़ में भी आगाज होने से आम लोगों में खुशी की लहर। अपने ही पार्टी और परिवार पर तेज प्रताप का हमला। कहा आरजेडी अध्यक्ष बनने के लिए कुछ लोगों ने लालू यादव को दिल्ली में बनाया बंधक। बिहार के कटिहार में कलयुगी पिता की करतूत। 1.5 साल की बेटी को पिलाया कीटनाशक। बच्ची ने तोड़ा दम। हत्यारे पिता की तलाश में पुलिस। झारखंड के चाईबासा में जमीन विवाद को लेकर खूनी खेले की परिवार के 4 लोगों की हत्या। झारखंड के गिरिडीह में दर्दनाक हादसा। अवैध खदान में अचानक धंसी बिट्टी। मां बेटी की मौत। बिहार की सीतामढ़ी में उल्टे पांव भागी पुलिस। मुखिया चुनाव जीत चुके प्रत्याशी के जश्न में खलल डालने पर गुस्सा। समर्थकों ने दौड़ाया। बिहार के अरवल में पंचायत चुनाव के वोटों की गिनती के दौरान हंगामा। कलेक्ट्रेट के बाहर हारे प्रधान प्रत्याशी समर्थकों का बवाल। राजस्थान के सीएम गहलोत का विरोधियों पर प्रहार। का पूरे 5 साल चलेगी सरकार। फिर होगी रिपीट। अगले 15-20 साल कहीं नहीं जाने वाले। राजस्थान में उपचुनाव को लेकर बीजेपी कोर कमेटी की हुई बैठक। वसुंधरा राजे भी हुई शामिल। नवंबर में राजस्थान जाएंगे जेपी नड्डा। राजस्थान के जोधपुर में पैसे के लेन देन का वीडियो वायरल। वार्ड प्रभारी को 500-500 के नोट देती नजर आई महिला कर्मी। राजस्थान के प्रतापगढ़ में फायरिंग से सनसनी। बदमाशों ने फाइनेंस कर्मी को मारी गोली। 30,000 रुपए से भरा बैग लेकर फरार। राजस्थान के भरतपुर में चोर को पकड़कर ग्रामीणों ने की जमकर पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एमपी में उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने मैदान में उतारा अपना पहला प्रत्याशी। पृथ्वीपुर से नितेंद्र सिंह राठौर का टिकट कटा। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नीमच को दी विकास कार्यों की सौगात। जवारा और रतलाम में किया औद्योगिक पार्कों का भूमि पूजन। छत्तीसगढ़ के कोडागांव में जान खतरे में डालकर पढ़ाई करने को मजबूर बच्चे। जर्जर भवन में चल रहा है स्कूल। मध्य प्रदेश के भिंड में संपत्ति के लिए 2 बेटों ने की पिता की हत्या। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 90 करोड़ के पार। केंद्र सरकार का 15 अक्टूबर तक 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करने का टारगेट। केरल में हर दिन मिल रहे 10,000 से ज्यादा कोविड मरीज। पिछले 24 घंटे में मिले 13,217 नए मामले। 121 की मौत। 25 अक्टूबर से केरल में 50% लोगों के साथ खुलेंगे सिनेमा हॉल। वैक्सीन की दोनों डोज लेने वालों को ही एंट्री। दिल्ली में श्रद्धालुओं के लिए खुले धार्मिक स्थल। कोविड नियमों के साथ मिलेगी मंदिर में एंट्री। कोरोना के चलते बंद थे मंदिर। अमेरिका में कोरोना से अब तक हुई 7 लाख से ज्यादा मौतें। 3.5 महीने में मौत का आंकड़ा 6 से 7 लाख पहुंचा।
स्पेन के ला पाल्मा आइलैंड में समुद्र तक पहुंचा ज्वालामुखी का लावा, पूरे इलाके में बादल छाए, जहरीली गैस निकलने का खतरा। रूस के आर्मी ने मनाया ग्राउंड पोस्ट दिवस, थलसेना के 471वें वर्ष पूरे होने पर शौर्य का प्रदर्शन। फ्रांस में महंगाई के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन, बिजली के बढ़ते बिल और पेट्रोल की कीमतों के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पे लॉकडाउन के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन, शहर को अनलॉक करने की मांग, कोरोना के 27 नए मामले मिले। दुबई एक्सपो की शानदार शुरुआत, एक्सपो की थीम प्रगति के पथ पर भारत, इनोवेशन के बड़े सेंटर के तौर पर किया गया प्रदर्शन।